We'll start with April. One second. We'll start with April paper. Sorry, September paper. September 2019 paper. All of you quickly download the question paper. कल के क्लास से कोई डाउट है? चलो स्टार्ट. ओके, रिमाइंड लेटो कर देते हैं. अगेन लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस पेपर. कितने क्वेश्चंस हैं? थ्री क्वेश्चंस हैं, तो थ्री अपने बना लेते हैं. ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर पेपर. टू टर्म्स था शुरू का, सो इट्स फाइन. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल मेक क्विकली थ्री स्क्रिप्ट. ओके, लेट्स रीड. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, द डेटा फाइल मस्ट बी जेनरेटेड इन आर यूजिंग द फॉलोइंग कोड. सीड वैल्यू ले लिया है, और देखो इन लोग अपने आप ही फंक्शन दिया है, बट अगर हम लोग ये समझे, बहुत सिंपल है. सिमुलेशंस निकाल रहे हैं फ्रॉम अरीमा प्रोसेस, जहां पे ऑर्डर इज 1,1. मतलब ये आपका अरीमा 1,1,0 प्रोसेस होगा आपका. ए आर, ये बेसिकली जो अल्फा का वैल्यू वो दे दिया 0.7, और 300 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. टेक इट इन टू आर. दिस इज योर आंसर 1. इसको अपने कॉपी कर लेते हैं. सो पहले सीड वाला रन करो ताकि वैल्यूज सेम आए, एंड देन अरीमा वाला वाई वाला रन कर लेंगे. लेट्स अगेन, आई विल व्हाट आई सेड यस्टरडे, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है इन एग्जाम, सिंस अभी हम लोग पूरा पूरा पेपर सॉल्व करें. नहीं तो आप लोग देखोगे कि पहला टाइम सीरीज है, अगेन 40 मार्क्स देख लो, एंड देन आई गेस दिस इज ट्रांजिशन मेट्रिक्स गया, तो प्रोबेबिलिटी मार्कोव हो गया. ये मार्कोव इज ऑफ 30, एंड देन लास्ट वाला इज लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंश्योरेंस. ठीक है, अगेन 30. तो आप लोग को जिस टॉपिक में कन्वीनियंट हो आप लोग उससे स्टार्ट करना. आप सब न्यूट्रल हो सब टॉपिक्स के लिए, तो आप शुरू से स्टार्ट करो, दैट्स द बेस्ट. अगेन पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट. ठीक है, प्लॉट द टाइम सीरीज गिविंग अप्रोप्रिएट लेबल्स फॉर ईच एक्सेस एंड पेस्ट द चार्ट इन टू योर आंसर. तो अगेन प्लॉट द टाइम सीरीज गिविंग अप्रोप्रिएट लेबल्स. तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे टाइम सीरीज का? ts.plot, क्योंकि सिंस इट्स ऑलरेडी इन अ फॉर्म ऑफ अ टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट, तो ts.plot y. अगर किसी को याद नहीं आ रहा, क्विकली मेक अ सर्च ts डॉट प्लॉट का, एंड यू विल सी पहले आपके डॉट डॉट हो गए, वही मल्टीवेरिएट यूनिवेरिएट टाइम सीरीज, ये अपना यूनिवेरिएट है. उसके बाद लिस्ट ऑफ नेम्ड ग्राफिक्स, तो जो भी आपको चाहिए, जस्ट लाइक यू हैव इट इन द प्लॉट फंक्शन, एक्स लैब वाई लैब टाइटल, वो आप दे सकते हो. सो दिस इज द ग्राफ दैट वी आर गेटिंग. आप एक्स एक्सेस इट्स फाइन, टाइम है. वाई एक्सेस में आप लोग क्या लिख दोगे? सिमुलेटेड वैल्यूज फ्रॉम कहाँ से लिया है हमने? हाँ ठीक है, तो एक काम करो, या तो टाइटल में दे दो सिम्युलेटेड वैल्यूज फ्रॉम अरीमा 1,1,0. ठीक है, एक्स एक्सिस लेट्स कीप इट ब्लैंक. ओके,
एक्स लैब को ब्लैंक रख दो। हाँ क्योंकि वाई लिखा हुआ आ रहा है ना उधर, सॉरी वाई लैब हो गई, मैंने भूल से एक्स लैब लिख दिया, वाई लैब होगा क्योंकि इधर वाई लिखा हुआ आ रहा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, डज नॉट लुक गुड। तो ये अपना आ गया, ठीक है चेक करो। एक चीज और, अगर आप लोग स्ट्रेट अवे प्लॉट फंक्शन यूज करते तो भी आपको सेम आंसर मिलता, जैसे हमने कल करा था, कल हमने प्लॉट फंक्शन यूज करा था, ts डॉट प्लॉट नहीं करा था, आपका सेम आंसर आता। प्लॉट फंक्शन में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी देके करते तो भी सेम आंसर आता, डज नॉट मैटर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इज पार्ट बी है ना। आई पार्ट बी इज कमेंट ऑन द जनरल फीचर्स, सो व्हाट डू यू सी इन द ग्राफ, टेल मी व्हाट डू यू सी इन द ग्राफ। पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड बताओ, ट्रेंड डिक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब इधर डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, बट देन इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। एक चीज हमें क्लियर है, सिंस द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग एंड इट्स नॉट अराउंड सम वैल्यू, तो मीन जो होता है, मीन हम क्या बोलते हैं, जैसे हम जीरो लेते थे, हम एरर टर्म्स का क्या बोलते हैं, हम एरर टर्म्स के लिए जीरो लेते हैं एंड हम फिर बोलते हैं कि जीरो के अराउंड में है, पैटर्न लेस है, तो उसका मीन समवॉट अराउंड जीरो रहेगा। बट यहाँ पे डू यू सी दैट द वैल्यूज आर अराउंड सम पर्टिकुलर वैल्यू, नहीं ये एकदम नीचे जा रहे हैं, तो हमारा जो अजम्पशन होता है इन टाइम सीरीज अबाउट कॉन्स्टेंट मीन एंड कॉन्स्टेंट वेरियंस, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ आएंगे उस पे। एक फीचर होता है जो आप लोग CM2 में पढ़ोगे, मीन रिवर्टिंग। मीन रिवर्टिंग डेटा का होता है मतलब कि जो मीन के पास आ जाए लॉन्ग टर्म में, बट वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो फीचर, तो कॉन्स्टेंट मीन हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड उसने एकदम सही बोला, सिंस यू डो नॉट सी अ कॉन्स्टेंट मीन, मतलब स्टेशनैरिटी होल्ड ट्रू नहीं करेगा। स्टेशनैरिटी का सबसे पहला इज कॉन्स्टेंट मीन, कॉन्स्टेंट वेरियंस एंड योर बोलो कोवेरियंस या कोरिलेशन शुड डिपेंड ऑन ओनली द लैग, राइट। तो ये पहला पार्ट ही ट्रू नहीं है, तो स्टेशनैरिटी होल्ड ट्रू नहीं कर रहे। एंड देन वी सी लास्ट में, वी कैन सी एन अपवर्ड्स ट्रेंड है ना, पहले डाउनवर्ड्स दिखता है ओवरऑल एंड देन लास्ट में यू कैन सी एन अपवर्ड्स ट्रेंड, बट दिस इज द जनरल कमेंट ऑन द शेप, दैट्स इट, ठीक है करो। ठीक है नेक्स्ट, तुम लोग कमेंट लिख दो हैश बना बना के, मेक श्योर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ टाइपिंग द कमेंट्स, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम में। पार्ट टू का, डिटरमाइन द बेस्ट लीस्ट स्क्वेयर लीनियर फिट, लीस्ट स्क्वेयर लीनियर फिट एडिंग टू इट टू योर चार्ट इन पार्ट वन एंड बेस्ड ऑन द एंड पेस्ट द न्यू चार्ट टू योर आंसर। तो लीनियर फिट हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं लीनियर मॉडल बनाने के लिए, LM मॉडल यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का वाई क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्या होगा, तो सिंस कुछ इस चार्ट में आपको एक लीनियर मॉडल फिट करना है, मतलब वाई और एक्स एक फिट करना है, वाई आपका ये सारा सिमुलेटेड नंबर्स हो गया और एक्स आपका टाइम हो गया 0 से 300, 301 कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स का वैल्यूज डिफाइन कर दो क्योंकि वाई ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है,
वन से लेके 301. द रीजन आई एम टेकिंग 301 इज कि थोड़ा आगे तक वो ग्राफ दिखेगा, एंड रीजन आई एम नॉट टेकिंग. आ रहे, चलो सब सही है, तो स्टार्ट रन कर लो. खाली वाई पूरा रन किया तुम, 301 वैल्यूज है. ठीक है, ओके, तो अपने टाइम ले लेंगे 1 से 300. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ भी तो है टाइम का स्टार्ट एंड एंड, और तुम लोग ये ऐसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्टार्ट ऑफ वाई एंड ऑफ वाई. टाइम सीरीज का जो दो फंक्शन होता है, स्टार्ट ऑफ वाई एंड ऑफ वाई, तो उससे भी तुम लोग को 1 एंड 301 मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया. अब हम लोग इसमें लीनियर मॉडल फिट करेंगे. सो यू कैन, दे हैव यूज्ड द वर्ड लीस्ट स्क्वेयर बेस्ट फिट लाइन. सो लीस्ट स्क्वेयर फिट LM y tilt x. y में ऑलरेडी सारे वैल्यूज है, x में भी मैंने आई थिंक x रन किया था क्या? हाँ किया ही होगा. तो y में सारे वैल्यूज है, x में हमने टाइम ले लिया है. इफ यू वॉन्ट यू कैन क्विकली रन दिस एंड चेक क्या आ रहा है. सो हियर वी आर गेटिंग द कोएफिशिएंट्स, दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज द स्लोप. ऑल राइट, ऑल ऑफ यू शुड गेट द सेम आंसर सिंस वी हैव यूज द सीड वैल्यू. नाउ वी नीड टू एड दिस हियर, सो वी कैन अगेन यूज वॉट फंक्शन? लाइन्स. वेरी गुड, वी कैन यूज द लाइन्स फंक्शन. एक सेकेंड, आपको पहले एक्स बताना होगा. एक चीज और है, लीस्ट स्क्वायर फिट तो मॉडल है ना, तो वो कैसे लिख दोगे स्ट्रेट अवे? तो उसके अपने को क्या लिखते हैं, फिटेड वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं. राइट, लीस्ट स्क्वायर लिखने से एरर आ रहा है ना, बिकॉज इट्स क्या लिखे, देखो एक्स इज अ लिस्ट, ये एक लिस्ट है ना, ये आपका जो मॉडल रहता है वो एक लिस्ट के तरीके से आता है. उसमें आपका कोएफिशिएंट्स रहता है, उसमें आपके रेसिडुअल्स होते हैं, उसमें आपके फिटेड वैल्यूज होते हैं. आपको खाली फिटेड वैल्यूज प्लॉट करने हैं, तो डॉलर फिटेड. ठीक है, करके रन करो. नाउ यू गेट द लाइन, कैन यू सी लाइन के साइज का? आपको विथ इंक्रीज करने आप कर सकते हो, मे बी यू कैन गिव अ कलर टू दिस. ठीक है, सो यू व्हाट वी सी इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड विद टाइम, विच सैटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज जो आ रहा था. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेदर दिस लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड कैन बी रिमूव्ड सच दैट अ जीरो मीन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द रेसिडुअल्स. एक्सप्लेन वेदर दिस लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड कैन बी रिमूव्ड सच दैट अ जीरो मीन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट फॉर फिटिंग द रेसिडुअल्स. का मीनिंग क्या हुआ बताओ एक बार, अगर समझ में आ रहे तो ये जो ट्रेंड है डिक्रीजिंग, क्या ये आप हटा सकते हो ताकि आपका मीन हो जाएगा जीरो मीन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो बन जाए? तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे हटाएंगे? पहले तो चेक करना पड़ेगा ना, पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे. कैसे चेक करते हैं हम लोग? रेसिडुअल्स को चेक करते हैं कि वो क्या है एक्चुअल में, फिर उसको हटाएंगे. तो एक काम करो, टेक अ न्यू पार्ट 2B. तो रेसिडुअल्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? या तो आप रेसिडुअल्स को स्ट्रेट अवे प्लॉट कर दो. सो यू कैन प्लॉट द लीनियर, सॉरी, लीस्ट स्क्वेयर फिट डॉलर रेसिडुअल्स. आइदर यू डायरेक्टली प्लॉट दिस, ठीक है, गिव नाइस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का लेबल. एक्स एक्सिस में आप दे दो टाइम ऑलवेज, एंड वाई एक्सिस में आप दे दो, क्या दोगे? रेसिडुअल्स है तो रेसिडुअल्स ही लिखेंगे ऑब्वियसली. तो या तो ये आप करो, आपको क्या दिख रहा है रेसिडुअल्स, क्या दिख रहा है जीरो के आसपास? ये आपका जीरो का लाइन है, तो नीचे ऊपर दोनों हैं, बट अगेन वी सी योर ट्रेंड. राइट, बट ये जीरो के आसपास ही है. हम लोग चेक कर रहे हैं पहले कि रेसिडुअल्स कैसा दिख रहा है.
आप खाली मॉडल से नहीं बता सकते ना, यू आप कैसे बताते हो कि आपका मॉडल सही है कि नहीं. यू चेक द रेसिडुअल्स टू टेल इफ द मॉडल इज करेक्ट और नॉट, वेदर द लीनियर फिट टू दिस मॉडल इज करेक्ट और नॉट. लीनियर फिट टू अ टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट, टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट था जहां पे आपको टाइम एंड वाई वेरिएबल दिया हुआ है. आप टाइम सीरीज में क्या करते हो, वाई टी इक्वल्स, ये आपका अरीमा है. सो वाई टी इक्वल्स आप अल्फा म्यू प्लस अल्फा वन वाई टी माइनस वन. तो आप यहाँ पे वाई टी का वैल्यूज ले रहे हो फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. लीनियर फिट में आप टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं और जो वैल्यूज आ रहे हैं वो वाई वेरिएबल. सो वाई ऑन एक्स, वाई ऑन टाइम, वेदर दिस मॉडल इज गुड और नॉट, दैट इज वॉट दे वॉन्ट टू सी, कि वेदर यूजिंग दिस मॉडल कैन यू टेक, कैन यू से दैट यू कैन फाइंड अ मॉडल जिसका मीन जीरो हो, स्टेशनरी क्या बना सकते हो. एंड इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने क्लास में जब बॉक्स जेनकिंस प्रोसेस करा था उसमें हमने करा था ना कि मेकिंग द डेटा स्टेशनरी, सेकेंड आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट वाला था, प्रिपेयरिंग द डेटा में आप मॉडल को क्या बनाते हो, स्टेशनरी बनाते हो ना, फिर आप आगे बढ़ते हो, है ना. तो उसमें ली स्क्वेयर ट्रेंड रिमूवल था, याद आया, बहुत कुछ था उसमें. एक मूविंग एवरेजेस वाला था, याद है, मूविंग एवरेजेस था, वैसे ही आपका ली स्क्वेयर ट्रेंड रिमूवल था. ये ली स्क्वेयर ट्रेंड रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट इधर है, ठीक है. ओके, एक बार विंडो क्लोज कर देना वहां से. तो ली स्क्वेयर ट्रेंड रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट है, पहले आपको रेसिडुअल्स एक बार देख के समझना है. दिस इज वन वे रेसिडुअल्स. और एक क्या तरीके से चेक करते हैं, यू सी द, जो हम लोग कल करते हैं, यू सी द कोरिलेशन बिटवीन द रेसिडुअल्स. सो यू कैन प्लॉट द एसीएफ डायरेक्टली, यू कैन प्लॉट द एसीएफ डायरेक्टली ऑफ ली स्क्वेयर फिट का रेसिडुअल्स. एंड वॉट कैन वी सी, वाई इट्स नॉट स्टेशनरी, इट्स नॉट डीकेइंग, इट्स डीकेइंग एक्सट्रीमली स्लोली. इफ इट डीकेज वेरी फास्ट देन इट इज स्टेशनरी. कल जो पढ़ रहे थे वो स्टेशनरी था बिकॉज इट वॉज डीकेइंग. यहाँ पे डीके नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, द रेसिडुअल्स आर नॉट स्टेशनरी एज द एसीएफ ऑटो को रिलेशन ऑफ द रेसिडुअल्स. यस, रेसिडुअल्स आर वेरी स्लोली डीकेइंग टू जीरो. एंड एक चीज और था, स्टेशनैरिटी जब आप लोग प्रूफ कर रहे थे, आप लोग क्या प्रूफ कर रहे थे, दैट आपका क्या होना चाहिए, जो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के प्रूफ करते थे, तो आप लोग क्या प्रूफ करते थे कि रूट वन से बड़ा होना क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या प्रूफ कर रहे थे हम लोग, मॉड मॉड ऑफ जेड, ग्रेटर मॉड ऑफ जेड शुड बी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन. तो ऑब्वियसली वो चीज भी नहीं होगा. आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग को सब रिकलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए क्या क्या करते थे स्टेशनरिटी के लिए. और जब ए आर प्रोसेस होता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग. ए आर प्रोसेस में आप लोग क्या प्रूव करते थे, स्टेशनरिटी की इनवर्टेबिलिटी, स्टेशनरिटी ये ए आर ही तो है एक तरीके से. एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, दिस इज अरीमा 1,1,0 प्रोसेस. डी इज वन, ऑब्वियसली इट्स नॉट स्टेशनरी. अगर डी जीरो होता तभी तो स्टेशनरी होता, तो ये चीज तो आपको पहले ही पकड़ लेना चाहिए था. अभी 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 तक किसी ने नहीं सोचा ये चीज. गॉट द पॉइंट, हाँ. एंड एम ए के लिए हम लोग इनवर्टेबिलिटी प्रूव करते थे, करेक्ट है. ये बना लो ग्राफ्स. तो द क्वेश्चन दैट दे वॉन्टेड टू आस्क इज एक्सप्लेन वेदर दिस कैन बी सो थोड़ा फ्रेमिंग गलत है, बट वॉट दे वॉन्टेड टू आस्क इज क्या ली स्क्वेयर मॉडल जो आपने बनाया, वेदर दिस मॉडल इज स्टेशनरी और नॉट. दिस इज नॉट स्टेशनरी. इवन द ली स्क्वेयर, इवन द लीनियर मॉडल दैट यू क्रिएटेड, तो आप लोग लिख सकते हो दैट दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉट स्टेशनरी. लिख लो, आप लोग जब और रीसेंट टर्म्स के पेपर करोगे ना तो वो और अच्छा से, मतलब बिकॉज दीज वर सम अर्लियर पेपर्स ना, तो उस समय थोड़ा आईएफओए न्यू था, तो थोड़े क्वेश्चन फ्रेमिंग्स अजीब से थे. चलो नेक्स्ट.
Plot the sample ACF and sample PACF of the original data, giving appropriate labels to each. एक्सेस ये वाला खुद से ट्राई करूं तो कल हमने किया है सेम चीज. ठीक है, लिखो ACF क्या वाई. एक बार तो ऐसे ही रन करती हूँ. अब इसमें आप लोग सब दे दोगे टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो सब दे देना. आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम हियर. क्या 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 लिखेंगे इधर? ACF ऑफ वो वाला पूरा सही रहेगा. और क्या अरीमा 1.1.0 टाइम सीरीज लिख सकते हो, लिखना है तो. ये आपका हो गया, तो ये मैं नहीं चेंज कर रही हूँ. वाई लैब, एक्स लैब भी सही है, सो नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन दिस एज द वाई लेबल, वाई एक्सिस लेबल एंड ACF ऊपर में, एक ही बात. नेक्स्ट PACF कॉपी द सेम. इसी पार्ट का है ना, पार्ट ए का ही तो है. कॉपी द सेम पेस्ट PACF एंड इधर पे भी एक पी ऐड कर दो. AR वन प्रोसेस है. शुड PACF शुड कट ऑफ आफ्टर लैग वन, दैट इज वॉट इज हैपनिंग, यू कैन सी. एंड ACF विल ग्रेजुअली डीके 2-0 एंड दिस विल, एंड ये जो डीके है ये और फास्ट होना चाहिए था बट नहीं है, क्योंकि द प्रोसेस इज नॉट स्टेशनरी. ये पूरा डीके हो जाना चाहिए था फास्ट, मतलब इतना स्लो डीके नहीं होना चाहिए था. एंड क्योंकि प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है इसीलिए इतना स्लो टाइम लग रहा है टू डीके. अब देखो क्या है क्वेश्चन. कमेंट ऑन द विज कमेंट बाय विजुअली इंस्पेक्टिंग दीज प्लॉट्स ऑन द पॉसिबल मॉडलिंग स्ट्रेटजी विच कुड बी अडॉप्टेड. ये बना लो और फिर पहले सोचो कि क्या हम लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं. वही चीज जो हमने बोला वही है कि PACF हम लोग को दिख रहा है इज कटिंग ऑफ आफ्टर लैग वन, विच इज वॉट वी एक्सपेक्ट बिकॉज दिस इज अरीमा 1.1.0 प्रोसेस. ACF इज नॉट डीकेइंग वेरी फास्ट, इट्स वेरी वेरी स्लो, द डीके इज वेरी वेरी स्लो. एक होता है ग्रेजुअल डीके जो हम लोग देखते हैं, जो कल हमने देखा था, बट ये तो बहुत स्लो डीके है. एंड दिस इज बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट स्टेशनरी, हेंस इट ऑल्सो प्रूव्स. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इन्होंने कि पॉसिबल मॉडलिंग स्ट्रेटेजी, क्या हम लोग आगे का अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टेशनरी बनाने के लिए? डिफरेंसिंग करना पड़ेगा. सो वी नीड टू, अब ये वर्ड डिफरेंसिंग का 1 मार्क मिलेगा आपको, आपको लिखना है. सो वी नीड टू डू डिफरेंसिंग सो दैट वी कैन गेट अ स्टेशनरी टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट. वी नीड टू परफॉर्म
डिफरेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्म अप अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन टू द डेटा सच दैट अ स्टेशनरी मॉडल इज पॉसिबल, पेस्टिंग एनी रेलेवेंट चार्ट्स टू योर आंसर। क्या करेंगे? डिफरेंसिंग करेंगे। हमने डिफ फंक्शन सीखा है ना, तो कर लो। चलो, दिस इज विच पार्ट पार्ट। ठीक है, तुम लोग प्लीज लिख लेना कमेंट साथ साथ में, मैं डिस्कस कर रही हूँ, तुम लोग सब लिखोगे। चलो, पार्ट ए, पार्ट फोर ए। सबसे पहले तो डिफ फंक्शन एक बार देखते हैं कि आता है कि नहीं, या उसके लिए हमें कोई पैकेज चाहिए। सो वी आर गेटिंग द डिफ फंक्शन, लैग डिफरेंस वी डोंट नीड दैट, राइट। अब हम लोग इसमें, आई थिंक तुम लोगों ने टी एस डिस्प्ले फंक्शन नहीं किया है ना? टाइम सीरीज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं किया है, तो हम लोगों ने रिमेम्बर किया था क्लास में, जहां हम लोगों ने सबसे पहले तो टाइम सीरीज प्लॉट किया था, जो हम लोग का डिफरेंस टाइम सीरीज है, और एक ही प्लॉट एरिया में ए सी एफ एंड पी ए सी एफ प्लॉट किया था। फिर रिमेम्बर, एक ही प्लॉट एरिया में तीन या चार प्लॉट कैसे बनाते हैं? एक होता था, आप लोग पार फंक्शन यूज करके करते थे, पार एम एफ रो, बट अगर वो हम लोग यूज करते हैं जो आपको, हाँ, एन क्रॉस एन, आपको बॉक्स मैंने मैट्रिक्स जैसा कुछ बनाना होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ आप लोग को अगर पहले में, सपोज मान लो डिफरेंट, इफ यू ऑल रिमेम्बर फ्रॉम थ्योरी पेपर बी का असाइनमेंट जो हमने किया है, ऊपर में हम बनाते हैं पहले एक्चुअल टाइम सीरीज जो है हमारा, मतलब डिफरेंस करके जो आ रहा है उसका ए सी एफ उसका, तो हम लोग को ऊपर में पूरा एक चाहिए, नीचे दो प्लॉट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेआउट फंक्शन यूज करेंगे, लेआउट, एंड लेआउट के अंदर हम लोग मैट्रिक्स यूज करेंगे, मैट्रिक्स 1,1,2,3 ऐसे होगा क्या, एंड ये हो जाएगा अपना बाय रो ट्रू। मैं समझा दूंगी जिसको याद नहीं आ रहा है, इसको बाय रो ट्रू करो, कॉमा एन रो इज ट्रू टू। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कैसा बनेगा, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपका बनेगा 1,1,2,3 ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। आपको इसमें लेआउट अब ऐसा चाहिए आपके प्लॉट एरिया में कि 1,1 यहाँ पे पहला वाला ग्राफ है पूरा, 2,3 यहाँ सेकेंड ग्राफ आएगा, यहाँ थर्ड ग्राफ आएगा, दैट्स इट। ये फंक्शन का काम है, देख लो। आई विल जस्ट कनेक्ट द चार्जर। ओके, इसको रन कर लो पहले, लेआउट को। आपका कुछ इससे एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिखेगा नहीं, बट वो बैकएंड में हो गया है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट टू प्लॉट टी एस डॉट प्लॉट, वाई नहीं करेंगे, डिफ ऑफ वाई करेंगे, या आप डिफ ऑफ वाई को किसी में डाल दो एंड फिर बना लो, आपका जैसा मन है। एंड इसका साथ ही में टाइटल दे देना, साथ ही में टाइटल दे दो, डिफरेंसिंग वाई वन टाइम, या डिफ वाई भी स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, चलेगा। या वन टाइम डिफरेंसिंग वाई वैसा करके कुछ लिख देना, या आ गया देख लो। अब सेकेंड प्लॉट बनाएंगे ए सी एफ का, ए सी एफ ऑफ डिफ ऑफ वाई, पी ए सी एफ ऑफ डिफ ऑफ आई, पी ए सी एफ। ठीक है, नाउ इफ यू जूम एंड इफ यू चेक, कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स? ठीक
PACF में व्हाट डू वी सी, डीकेज आफ्टर, कट्स ऑफ आफ्टर 1. अगर आप लोग पहले वाला चार्ट देखो PACF का, तो यहाँ पे लैग 2 में इट वाज टचिंग द लाइन, है ना, पहले वाला. बट अभी जो नया वाला है, इट्स नॉट टच, मतलब ये पूरा कट ऑफ हो रहा है 1 के बाद. एंड ACF भी काफी ग्रेजुअली डीके हो रहा है. सो एक बार डिफरेंस करने के बाद आ सीरीज बिकम्स क्या हुआ बोलो, बड़ा करो प्लॉट एरिया थोड़ा. ये टाइम सीरीज है विच इज डिफरेंस्ड 1 टाइम. तुम TS डॉट प्लॉटी तो की हो डिफरेंस 1 टाइम करके, जस्ट टू शो कि पहले जो हम लोग टाइम सीरीज प्लॉट कर रहे थे 0 से 300, वो ट्रेंड दिख रहा था ऐसे ऐसे ऐसे. इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड हमने हटा दिया. तो एक चीज समझो, हम लोगों ने जब रिमूविंग द ट्रेंड, हमने तीन, हमने इन ऑर्डर टू मेक द डेटा टाइम सीरीज स्टेशनरी, हमने किया था रिमूविंग ऑफ सीजनैलिटी. रिमूविंग ऑफ सीजनैलिटी में इफ यू आर रिमेम्बर, एक डिफरेंसिंग वाला स्टेप था कि अगर 12 मंथ का आपका सीजनैलिटी है, तो 12 टाइम आपको लैग 12 से डिफरेंस करना पड़ेगा, YT माइनस YT माइनस 12. रिमेम्बर, सिमिलरली आपने किया था मूविंग एवरेजेस, वो भी उसी में था. एक होता है रिमूवल ऑफ ट्रेंड, विच इज सिंपल दिस काइंड ऑफ डिफरेंसिंग. तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर थ्योरी याद है तो आप ये भी कर सकते हो. एनी डाउट इन दिस देख लो. सो नाउ नेक्स्ट इज दे हैव आस्ड यू टू कमेंट, एंड वॉट डू यू कमेंट ओवर हियर इज दैट वी कैन क्लियरली सी दैट द फर्स्ट टाइम सीरीज, डिफरेंस टाइम सीरीज दैट वी सी हैज नो ट्रेंड नाउ. पहले का दिखा देती हूँ. देख रहे हो, ये ट्रेंड था पहले का, वो ट्रेंड हमने हटा दिया तो स्टेशनरी बन गया. आपने बेसिकली ट्रेंड रिमूवल करा है, वो ट्रेंड आपने हटा दिया अपने डेटा से. सीजनैलिटी कुछ दिख नहीं रहा, खाली वो ट्रेंड था. एक एक टाइम सीरीज में तीन चीजें होती है जो हमने पढ़ा है. एक होता है ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड. जैसे यहां तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज डिक्रीजिंग, ऐसा लाइन बना. वो लाइन इन्होंने क्यों बनवाया, जस्ट टू शो यू ऑल दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड टाइम इज डिक्रीजिंग. दैट वॉज अ ट्रेंड. तो आप लोग, जब आप लोगों ने किया होगा डीकम्पोज फंक्शन यूज, इफ यू ऑल रिमेम्बर डीकम्पोज फंक्शन यूज किया आप लोगों ने. नाउ वील डू वन थिंग अगेन, इसको वापस सेम करने के लिए पार MF रो. हाँ क्या बोल रहे हैं, 1,1 ये रन कर दो. तो अब वो जितना प्लॉट्स रन करोगे तो वो वैसे नॉर्मली आएगा. इफ यू ऑल रिमेम्बर डीकम्पोज फंक्शन में हमने जब डाला था वाई, तो टाइम सीरीज हैज नो और लेस देन 2 पीरियड्स. अच्छा हाँ, इसको हम लोग को थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, बेसिकली आई थिंक इधर पे जो ये टाइम सीरीज है, इसको हम लोग को ये पूरा, ये वो है ना सिमुलेटेड है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे शायद इसको प्लॉट. सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हमने किया था क्लास में, एक एक्चुअल टाइम सीरीज ऊपर जो है वो प्लॉट किया था, फिर उसका सीजनल वाला कॉन्सेप्ट, साइक्लिकल वाला कॉन्सेप्ट, एक ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट और एक रिमाइंडर, याद आया? उसको हमने चार प्लॉट बना के किया था. ठीक है, एनीवेज ये क्लियर है अभी सबको. तो बेसिकली हम लोग जो प्लॉट बनाया, हम लोग को देख के पता चल रहा है दैट द डिफरेंस डेटा बोथ ACF, ACF इज डीकेइंग फास्टली टू 0, एंड PACF इज कटिंग ऑफ आफ्टर लैग 1, विच शोज दैट इट्स नॉट. एंड जो मैंने एक लाइन आप लोग को शुरू में बोला, दैट दिस प्लॉट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ सीजनैलिटी. अब मतलब देखो, या तो ट्रेंड होगा या सीजनैलिटी होगा. साइक्लिकलिटी भी एक होता है बट नॉट देयर इन द सिलेबस. सीजनैलिटी या ट्रेंड, ट्रेंड था, ट्रेंड हट गया, ट्रेंड दिख रहा था वो ऐसे वाला जो ट्रेंड था. सीजनैलिटी
वो हटा दिया। अब इसमें सीजनैलिटी भी नहीं दिख रहा। सीजनैलिटी कब होता कि हरे पनीर पीक है या फिर वो नीचे जा रहा है, ट्रेंड, मतलब एक सीजनल कंपोनेंट वो नहीं दिख रहा इधर। ठीक है, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, नो सीजनैलिटी कैन बी सीन, या नो प्लॉट डज नॉट इंडिकेट एनी काइंड ऑफ सीजनैलिटी। प्रपोज एन अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। प्रपोज एन अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। अब बोलो। जो वाई हम लोगों ने बनाया पहले वो था अरीमा 1,1,0। अब डिफरेंस कर देंगे तो वो क्या मॉडल बन गया, अरीमा 1,0,0। तो उसका अल्फा तो चेंज हो जाएगा ना, अल्फा कंपोनेंट, अल्फा पैरामीटर तो चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, निकालो फिट या वाई डिफ डॉट वाई अरीमा, कल जो हमने यूज किया है इसमें डालेंगे डिफ ऑफ वाई कॉमा ऑर्डर बता दो, सिंपल। ठीक है, रन। अब इसका हम लोग को डिफ डॉट वाई रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो ये आ गया AR1, पहले कुछ और था, पहले था आपका 0.7, अब हो गया 0.714 AR। ये बेसिकली YT इक्वल्स म्यू, आपका म्यू ये है माइनस म्यू प्लस अल्फा वन, अल्फा ही रहेगा तो वन लिख दो अल्फा, YT माइनस वन, अगर वाई तुम ले रहे हो, वाई टी माइनस वन प्लस ई टी, वे वाई टी इज एक्चुअली एक्स टी माइनस वन। वाई टी तो डिफरेंस किया ना हमने, जस्टिफाई द चॉइस ऑफ द मॉडल बाय परफॉर्मिंग एन अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर एंड कंपैरिजंस विद द ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। क्या डायग्नोस्टिक्स बना सकते हैं इसमें हम लोग, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या तो आप RMSE चेक करते हो या AIC चेक करते हो। तो क्या आप तीन चार अलग अलग मॉडल्स की ना 1,0,1 भी ले सकते हैं, MA भी इसमें घुसा सकते हैं, ऐसे ही रैंडमली तीन चार मॉडल्स ले लो, उसका AIC निकालो और इससे कंपेयर करो कि सबसे लोएस्ट AIC इसका है। ठीक है, और डायग्राम्स में क्या बना सकते हैं, अपने अपने कौन सा फंक्शन यूज करते थे जिससे, रिमेम्बर तीन ग्राफ आता था और नीचे वाला मैंने ऐसे कटवा दिया था कि नीचे वाला ग्राफ नहीं है सिलेबस में। एक तो रेसिडुअल्स का ग्राफ था, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स का, और एक ACF ऑफ रेसिडुअल्स का ग्राफ था। वो फंक्शन याद है, TS-DAG फंक्शन था। ठीक है, TS-DAG फंक्शन था जिससे अपने रेसिडुअल्स प्लॉट करते थे। तो ये खुद से करो एक बार ट्राई, तुम लोग कर पाते हो कि नहीं।
क्या बोलो, क्या क्या किया तुम लोग? तो अगर हम लोग ये ले, बेसिकली बोला है अलग अलग मॉडल का बताओ, है ना? तो अगर हम लोग ये वाला, इसमें हम लोग लेट्स फिट अनदर मॉडल, ट्रायल एरर है, 6-7 मॉडल्स फिट करते हैं। एंड हाँ, क्या करना है तुमको? खाली एएसी तो एक्सट्रैक्ट करने हैं। पहले तो तुम इस वाले मॉडल का निकाल लो। आई थिंक कि डिफ वाई थोड़ा गलत होगा। वी शुड हैव गिवन द नेम फिट वाई, बिकॉज डिफ वाई विल बी कि हमने खाली डिफरेंस किया, उसमें कुछ फिट नहीं करा है। नेम थोड़ा इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट आइडियली थोड़ा ढंग का नेम देना चाहिए। डॉलर AIC इसका निकाल लेते अपने। इसका AIC 842 है, 0.45। इसका AIC देखो 452 है, बल्कि लोअर ही है इसका तो, है ना? और इसको कर दो 0, इसको कर दो 2। 844 ये तो बढ़ गया। नहीं, एक सेकेंड, ये तो ज्यादा ही, मैंने मैंने 842 रीड किया। ये दोनों ही ज्यादा है अपने वाले फिट से। बगल बगल में ना लिखते रहना ऐसे आंसर, क्योंकि आपको पेस्ट करना होगा ना, इजी रहेगा। ऐसे आंसर लिखते रहोगे तो सही रहेगा। आई विल नॉट डू फॉर ऑल, बट यू ऑल विल हैव टू डू। ठीक है, ये हुआ। अब दो तीन और बताओ, क्या ऑप्शंस हो सकते अपने? ठीक है, 201, वेरी गुड। इसका भी ज्यादा आ रहा है, 10। ऐसे ही होता है ट्रायल एरर, इसमें हंसने का कुछ नहीं है। और 202 भी कर लो एक, है ना? एंड CM2 पेपर में तो बहुत ट्रायल एरर करना पड़ता है। तो क्या, हाँ, ट्रायल एरर का मतलब क्या होता है? कौन सा बोल? ठीक है, वेरी गुड। 001 MA प्रोसेस। तो सबका देख रहे हैं कि हमारे वाले मॉडल से ज्यादा आ रहे हैं। सो नाउ यू आर कंप्लीटली सैटिस्फाइड दैट आवर मॉडल इज गुड व्हेन यू कंपेयर इट। और दिस कंफर्म्स दैट अरीमा 0100 इज अ गुड फिट कंपेयर्ड टू द अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट वी हैव टेकन ओवर हियर बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। यू आर नॉट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ डी सिंस इट्स ऑलरेडी स्टेशनरी। तो अब आपको डी चेंज, तो अब ये भी एक्सप्लेन करना डी क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं भाई, क्योंकि स्टेशनरी है। अब जो फंक्शन का मैं बात कर रही थी, ts.ts.diag, इसमें अपने डालते हैं फिट डॉट वाई को और इसको प्लॉट करते हैं। देखो, ये मैं बोल रही थी, ये आपका आया, स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स को स्टैंडर्डाइज करते कैसे? माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करके, तो वो 0 आ जाता है आपका। तो ये आपको कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा, कोई भी आपको इधर पैटर्न नहीं दिख रहा, पैटर्न लेस है, अराउंड 0, सो इट्स गुड। ACF भी कट ऑफ हो जा रहा है। एंड ये वाला पी वैल्यूज ऑफ जंक बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, ये हम लोग, मैंने कटवा दिए थे कि ये सिलेबस में नहीं है। ये दोनों है और ये दोनों हमने समझ लिया, ACF समझ लिए और स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स को हम प्लॉट करके चेक करना चाहते हैं कि कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड है कि नहीं। ठीक है, डन, क्लियर। इसको पेस्ट करो वर्ड में, चलो। एक सेकेंड, ये जो पी वैल्यूज है ना, जंग बॉक्स टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, इफ यू ऑल रिमेम्बर, जंग बॉक्स टेस्ट क्या होता था, कोई बता सकते हैं मेरे को? टेस्ट स्टेटिस्टिक्स किसके लिए करते थे? जंग बॉक्स टेस्ट किसके लिए करते थे? रेसिडुअल्स के लिए तो करते थे कि रेसिडुअल्स फॉलोज वाइट नॉइज। CS2 में जंग बॉक्स टेस्ट सबसे लास्ट पार्ट ऑफ बॉक्स जेनकिंस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, 6 स्टेप्स थे बॉक्स जेनकिंस प्रोसेस का। जो स्टेप नंबर 6 था वो था डायग्नोस्टिक चेक, जिसमें आप चेक करते थे कि रेसिडुअल्स वाइट नॉइज है कि नहीं। उसमें से एक टेस्ट था जंग बॉक्स टेस्ट, या ल्यूंग बॉक्स टेस्ट भी बहुत जन बोलते हैं, मेरे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो उसका हम लोग क्या देखते थे, नल हाइपोथेसिस होता था कि वेदर
नल हाइपोथेसिस होता था कि रेसिडुअल्स फॉलोज वाइट नॉइज प्रोसेस. सो इफ योर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉइंट ग्रेटर देन बोलो क्या 5%, इट सजेस्ट दैट यू आर नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच सजेस्ट दैट योर रेसिडुअल्स फॉलोज व्हाइट नॉइज. तो अगर हम लोग ये काटे भी नहीं, अगर हम लोग समझे ग्राफ को, तो पी वैल्यू देख रहे हो, ये जो डॉट्स देख रहे हो, ये सारे डॉट्स आपके 0.8 के ऊपर है, 80% के भी ऊपर है. सो वेरी हाई पी वैल्यू सजेस्ट व्हाट दैट रिमाइंडर रेसिडुअल्स फॉलोज व्हाइट नॉइज. थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, कॉपी रीडिंग स्टार्ट करो. एक था आपका यहाँ कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ACF शुड डीके, और ये तो ये सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है. इट्स अ वेरी गुड फिट दैट वी हैव टेकन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें नहीं दिखते, हाँ रेसिडुअल्स में भी दिखता. स्टेशनैरिटी इज लाइक जनवरी में पीक है. हाँ स्टेशनैरिटी सॉरी सीजनैलिटी, सीजनैलिटी इस वहां जनवरी में पीक आया, फिर वही है, फिर वापस नेक्स्ट ईयर का जनवरी में पीक आया, फिर वापस नेक्स्ट ईयर का जनवरी में पीक आया, या फिर ड्रॉप आया, या कुछ भी. जनवरी एंड अक्टूबर में खाली पीक है, समथिंग लाइक दैट एवरी ईयर यू सी. ठीक है हाँ. सेंटर्ड अलोन जीरो खाली होने से नहीं होता है, कॉन्स्टेंट मीन दिख रहा है, इट शुड बी पैटर्नलेस. मीन भी कांस्टेंट चाहिए, और मीन कांस्टेंट कब होगा, जब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न ना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का. जरूरी नहीं है कि जीरो के अराउंड हो सकता है कि कुछ वैल्यूज बहुत ऊपर हो जीरो से, हो सकता है कुछ ओवरऑल. व्हेन यू स्टैंडर्डाइज अ सेट ऑफ वैल्यूज, व्हेन यू स्टैंडर्डाइज अ सेट ऑफ वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज विल गिव यू अ मीन ऑफ जीरो, बट नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट ऑल द वैल्यू विल बी अराउंड जीरो. यू माइट हैव सम वैल्यूज विच आर वेरी हाई, यू माइट हैव सम वैल्यूज विच आर वेरी लो. तो इसीलिए उसको मैंने क्या बोला, देन यू सी द ट्रेंड पैटर्न, है ना. दैट इज, दिस इज फॉर द फर्स्ट टू पार्ट, मीन इज कॉन्स्टेंट, वेरियंस इज कॉन्स्टेंट. दिस इज फॉर द को रिलेशन पार्ट, और को वेरियंस शुड डिपेंड ओनली ऑन द लैग विच इज वॉट वी कैन सी. सो दिस प्रूव स्टेशनैरिटी, इट्स अ गुड मॉडल. And this proves that it's a white noise. Again, the same thing. All right. Next question में आ जाओ, इसको करो complete. अगर तुम लोग paste कर रहे हो, एक दो questions paste करने का habit रखो, क्योंकि exam में करोगे ठीक है, but exam में time crunch होगा. कितने plots अपने किए हैं? अगर एक काम करूँ मैं, इसको पूरे को हटा देती हूँ, इसको पूरे को हटा देती हूँ, and इसको सबको control A करके run करते हैं. एक दो तीन चार पांच छः सात सात, ठीक है. हाँ डायरेक्ट कोड नहीं, इसको पेस्ट करना है तुमको, कंसोल पेस्ट करते हैं ना, कल की क्लास में किया था ना, कंसोल पेस्ट करो. अच्छा यहाँ मैंने कहीं पे वाई रन किया था, तो वो हटा देना प्लीज. उतना वैल्यूज अगर आ जाता है ना वर्ड में, तो इरिटेशन होता है, तो वो हटा देना. तो ये पूरा पेस्ट करो, एंड जहां जहां ग्राफ बीच में आ रहे, ग्राफ कैसे पेस्ट करते हैं, इसको अपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं, ये आ गया ऐसे कॉपी, कॉपी प्लॉट पे क्लिक करो, वर्ड पे जाओ, पेस्ट करो, एज पिक्चर आ जाएगा. ठीक है सिमिलरली इसको, एंड बीच बीच में पेस्ट करना, नीचे सारे मत लाइन से पेस्ट कर देना. एक स्टूडेंट करके आया था, नीचे सारा लाइन से पेस्ट कर दिया, आंसर वन पूरा लिखा और इसके नीचे सब लाइन से पेस्ट कर दिया हर एक ग्राफ, तो थोड़ी कोई सेंस बनता है. उसको किसी का मार्क्स नहीं मिला, मतलब खाली 1A और 1B वाला इधर पे होगा आई गेस, अदरवाइज तो सब साथ साथ में. हाँ खाली इसको अलग करना पड़ेगा, दो अलग ग्राफ करना, खाली एक ब्लैक लाइन वाला और फिर ब्लैक प्लस रेड लाइन वाला.
पेस्ट है सोर्स फॉर, ये तुम्हारा क्योंकि इसको वो तुमको थीम चेंज करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर एक बार पूरे वर्ड को सिलेक्ट करो एंड वहां ना ऊपर में कलर का ऑप्शन है, उसको व्हाइट करके देखो तो होता है क्या, पूरे सिलेक्ट करके होम टैब में, हाँ बैकग्राउंड ये वाला को व्हाइट करो, पूरा कंट्रोल ए करो पूरे वर्ड को सिलेक्ट करके, ओ मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब दोनों का फॉर्मेट्स ले लिया उसने। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट, रीड करो। एन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द ड्राइवरलेस पॉड सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बिटवीन टर्मिनल एंड कार पार्क। 2 मिनट। पॉड्स ऑपरेट एवरी 2 मिनट्स फ्रॉम द टर्मिनल एग्जिट एंड ईच पॉड कैन टेक अप टू 2 पैसेंजर्स एंड देयर लगेज, सॉरी पैसेंजर्स अराइव एट द टर्मिनल एग्जिट सीकिंग टू ट्रेवल टू द कार पार्क अकॉर्डिंग टू द पॉइजन प्रोसेस विद द रेट ऑफ 1 पर मिनट। ये किसका रेट है, पैसेंजर अराइविंग का, और ये जो है पॉड्स ऑपरेट एवरी 2 मिनट्स मतलब एग्जिट के बाहर उन लोग एवरी 2 मिनट आते हैं। हाँ एन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राइवरलेस पॉड सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स फ्रॉम, सो एक टर्मिनल है जहां से आप निकलते हो और एक कार पार्क एरिया है, तो कैलकटा वाले एयरपोर्ट में नहीं है बट मुंबई के इंटरनेशनल वाले में आई थिंक है, और दिल्ली के में है कि नहीं पता नहीं, मुंबई में है वेयर देयर इज अ ह्यूज मतलब कार पार्किंग का अलग से बिल्डिंग है। सो टर्मिनल से कार पार्क तक जाने के लिए पॉड बेसिकली, नाउ पॉड अराइविंग एट द टर्मिनल एग्जिट इज एवरी 2 मिनट्स में आता है, एक एक पॉड आता है, वो खाली कितने पैसेंजर्स को उठाता है, 2 पैसेंजर को उठाता है, ठीक है, और पैसेंजर किस रेट से आ रहे हैं टर्मिनल पे, 1 पर मिनट के रेट से आ रहे हैं, ये क्लियर है। इफ फोर और मोर पैसेंजर्स आर वेटिंग एट द एग्जिट When a pod arrives, taxi are immediately summoned to take all the remaining passengers to the car park. अब एक पॉड आया और 4 लोग खड़े हैं, तो वो नहीं जाएगा, टैक्सी आ जाएगा और टैक्सी वो चारों को साथ ले जाएगा। सो एट मैक्स देखो क्या लिखा है, दे दिया इन्होंने, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 0, 1, 2, 3, 4 आर और मोर पैसेंजर्स विल अपियर एट द एग्जिट टू द टर्मिनल इन एनी गिवन 2 मिनट पीरियड। सोचो क्या होगा, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 0, 1 सो ऑन पैसेंजर्स विल अराइव एट द एग्जिट, पैसेंजर अराइविंग इन 2 मिनट्स पीरियड, 1 मिनट में कितना पैसेंजर आ रहे हैं, ये कुछ नहीं था पता है ये क्वेश्चन, करेक्ट, ये पॉइजन प्रोसेस है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीडीएफ है, ये कुछ नहीं है, इसको दोबारा रीड करूं, पैसेंजर अराइव, इसका पॉड से कोई रिलेशन है, इसका पॉड से कोई रिलेशन ही नहीं है, कितने पैसेंजर आपके टर्मिनल पे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, इन कितना इंटरवल, 1 मिनट का 1 पर मिनट है तो 2 मिनट्स का 2 पैसेंजर पर मिनट हो गया, तो अलार्म्ड आपका 2 हो गया, डीपॉइज आपका हो गया 0 से। अब यहाँ पे बोला है 0, 1, 2, 3, 4 और मोर, तो आप लोग बैठ के इंफिनिटी तक नहीं करोगे,
आप लोग 0 का निकालोगे, 1 का निकालोगे, 3, 2 का निकाल, 3 का निकालोगे, फिर 4 और मोर का साथ में निकालेंगे, विच इज 1 माइनस पूरा चीज। करो इसको सॉल्व। मैंने ये करा है, आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप लोग 1 माइनस, आप लोग पी पॉइस भी यूज कर सकते हो लोअर टेल फॉल्स करके, 4 और ग्रेटर देन 4 के लिए। ठीक है, इट्स द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, एक बार नेक्स्ट पार्ट खुद से करो, तो रीड करके। डिटरमाइन अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स वेटिंग एट द एग्जिट व्हेन अ पॉड अराइव्स। तो कितना, पहले तो स्टेट स्पेस बताओ। अगेन इसका सल्यू, ऐसे इसको छोड़ मत देना, सल्यूशन अच्छे से मैं दिखाई देती हूँ। चलो सल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसन ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड 4 और मोर पैसेंजर्स अराइविंग इज वॉट दे हैव डन इज दे हैव ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ मेड अ टेबल, जो आप लोग भी बना सकते थे, मतलब 0 के बगल में, 1 के बगल में, 2 के बगल में, ऐसे हैश दे दे के, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। जब भी पेस्ट करते हो ना आंसर, ऐसे स्टूपिड के ऐसे मत पेस्ट करना, मेक श्योर यू कीप इट टिल ओनली 3 और 4 डेसिमल्स। डज नॉट लुक गुड एक्चुअली। क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो इसी का बना दोगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कितने स्टेट्स बनेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 प्लस बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट, अच्छा ये वाला करो पहले, मैट्रिक्स बनाओ।
चैट बॉक्स में पेस्ट कर, जिसने कर लिया है प्लीज चैट बॉक्स में पेस्ट करो। ठीक है, एक चीज थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना कि ये एड अप वन हो रहा है कि नहीं ऐसे करने से, क्योंकि हमने रिड्यूस कर दिया ना डेसिमल्स। नहीं नहीं हाँ, अरे जब मैट्रिक्स बनाओगे तो रोज शुड एड अप टू वन ना, तो वो होगा कि नहीं वो चेक कर लेना। नॉट श्योर हो, समझ नहीं रहे तुम लोग, क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ कर दिए ना, पहले होता अगर तुम पूरा पूरा डेसिमल्स लेता, राउंड ऑफ करने के बाद थोड़ी होगा। इसको एक बार चेक करते हैं, नहीं थोड़ा ज्यादा आ रहा है इसको, आई थिंक 07, दोनों सेम है ना, 07 अब वन आ रहा है। ये एक बार चेक कर लिया करो, इसीलिए जब भी मैट्रिक्स बनाओगे मेक श्योर यू एड इट अप टू वन रो सम्स। एक बार चैट बॉक्स में लिखो जिन्होंने किया है। हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं फुल वैल्यूज क्यों लेना है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, डज नॉट लुक गुड ऑल्सो। नहीं हाँ लिख लो, करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा मन है। तो क्या करेंगे अपने ट्रांजिशन या पी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, कोई भेज दो या पेस्ट कर दो कोड। 0 से, अच्छा अब बताओ इसमें हम लोग कैसे करेंगे, 0 से 0 जाने का। इन लोगों ने पर मैट्रिक्स नहीं बनाए है यहाँ पे, बनाया है अच्छा, तो बोलो 0 से 07।
जीरो पे जाने का क्या होगा? जीरो से जीरो पे जाने का मीनिंग क्या है? हाँ, कि कोई नहीं आया, तो यही होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो से वन, जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर और मोर इज दिस, ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट, वन से जीरो, वन से जीरो जाने का क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी, क्या होगा प्रोबेबिलिटी वन से जीरो जाने का? 2 मिनट इंटरवल है, 2 मिनट के स्टार्ट में देयर वाज वन पर्सन, एक पॉड आया उसको उठा के ले गया, और 2 मिनट्स के एंड पे जीरो लोग हैं, मतलब कोई नहीं आया ना, तभी तो वन से जीरो जा सकता है। कोई नहीं आया, और कोई नहीं आने का प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, बोलो कहाँ कंफ्यूजन है। नेक्स्ट, वन से वन जाने का, एक जन खड़ा है, उसको उस आया उसको ले गया, ठीक है ना, तो एक और आ गया फिर उसके बाद एट द एंड। वन से टू विल बी सेम, क्यों? दो जन आ गए, क्योंकि 2 मिनट के इंटरवल में एक पॉड आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। वन से थ्री जा सकते क्या? वन से थ्री जाने का यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री पैसेंजर्स कमिंग इन, क्यों? अगर थ्री पैसेंजर्स आ रहे हैं तो क्या होगा? वन था शुरू में, उसको पॉड ले गया और थ्री पैसेंजर्स आ गए, वन से थ्री। जीरो से थ्री और वन से थ्री तो एक ही होगा, पॉड आके खाली कोई था नहीं तो किसको लेके जाएगा, और अगर एक जन खड़ा था तो एक जन को ले जाएगा। क्या बोल रहे, बोलो। स्टार्टिंग में एक जन है, एक पॉड आया उसको ले गया, और फिर तीन जन आ गए वापस। ये 2 2 मिनट का इंटरवल है ना, तो जब आप यहां से ऐसे बना रहे हो, एक सेकेंड देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है, डिटरमाइन अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स वेटिंग एट द एग्जिट व्हेन द पॉड अराइव्स। पॉड एवरी 2 मिनट में आ रहे हैं, तो इससे ट्रांजिशन मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? वन से टू जाने का क्या मतलब है, या वन से थ्री जाने का क्या मतलब है? जब स्टार्ट में मतलब एक पॉड आया तो एक जन था, और उसके सेकेंड वन स्टेप बाद के तीन रहेंगे, तो एक जन था, पॉड आया उसको ले गया, और फिर अराइवल ऑफ थ्री, है ना, क्या गड़बड़ है ये हुआ। उसके बाद वन से फोर भी यही होगा, ये सेम रहेगा, जीरो वाला और इनफैक्ट टू वाला भी सेम रहेगा। टू से जीरो जाने का मतलब दो लोग खड़े, दोनों को उठा गया पॉड और फिर कोई नहीं आया, तो ये भी सेम होगा, एंड इनफैक्ट बाकी तीनों, बाकी चारों भी आपका सेम होगा, क्योंकि दो जन मैक्स को लेके जा सकते हैं। पॉड तो आएगा ही आएगा, या वो खाली जाएगा, या वो एक जन को लेके जाएगा, या वो दो जन को लेके जाएगा। ले गया फिर कितने और आ रहे हैं, एवरी 2 मिनट इंटरवल बोला है, तो ये वन स्टेप हुआ ना, 2 मिनट्स का गैप हुआ, स्टार्ट जब पॉड आया और पॉड चला गया एंड, तो कितने लोग हैं बिफोर द नेक्स्ट पॉड अराइव्स। ये स्टार्ट स्टेज होते हैं, ये एंड स्टेज होते हैं ना। अब बोलो ये वाला में चेंज होगा, ये आपका है थ्री से जीरो, तीन जने खड़े हैं और जीरो, इज इट पॉसिबल थ्री से जीरो जाना? नॉट पॉसिबल, तो ये जीरो होगा। तीन जने खड़े हैं, पॉड आके दो जन को लेके जाएगा, तो एक जन तो खड़ा रहेगा ही ना नेक्स्ट वाले में, मिनिमम। जीरो से वन जा सकते हैं, जीरो से वन जाने का क्या होगा? कि कोई भी नहीं आया, तीन जन खड़े हैं, पॉड आया दो को उठा के ले गया, अब 2 मिनट्स बाद बिफोर द नेक्स्ट पॉड अराइव्स, बिफोर द नेक्स्ट पॉड अराइव्स, अगर एक जन ही खड़ा है, इसका क्या मतलब है कि बीच में कोई नहीं आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस P0।
आप लोगों ने P0 अगर लिया है तो वेरी गुड, P0 लिख दो, इतना कॉपी पेस्टिंग नहीं करना होगा। उसके बाद 0 हो गया, 1 हो गया, 2। 2 से, सॉरी ये अपने 3 करे ना, 3 से 2 जाने का, 3 से 2 जाने का क्या होगा, 3 जने खड़े, 2 जन को ले गया, एक जन का आने का प्रोबेबिलिटी P1, अगर आप लोगों ने P1 लिया है। फिर 3 से 3, 3 से 3 का मतलब है 3 जने खड़े, 2 चला गया, एक बचे और 2 जन आया, अगेन द सेम, ठीक है। नेक्स्ट आपके एक जने 3 जने खड़े, 3 से 4 या 4 से ज्यादा, 3 पीपल आर स्टैंडिंग, 2 चले गए, 1 बचा है। अब मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए मिनिमम, मिनिमम 3 लोग चाहिए। तो 3 लोग आना चाहिए या 3 से ज्यादा लोग आना चाहिए। तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो, 1 -P0 -P1 -P2 या P3 + P4 कर सकते हो, एनी विच वे, विच इज दीज टू। इसको करो तो ऐड करके कितना आ रहा है, 0.32। कहीं डाउट है तो प्लीज अभी पूछना, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मत पूछना, क्लियर है। 3 से 4 + जाने का, 3 खड़े थे, 2 चले गए, 1 बचा, तो मिनिमम उसको 3 जन चाहिए ताकि वो 4 हो या उससे ज्यादा भी, क्योंकि 4+ लिख रहे हैं अपने, 4 और मोर, तो या तो 3 लोग आए मिनिमम या उससे ज्यादा लोग आए, तो 3 P3 + P4। अब बोलो 4 जन खड़े, 4 से जा सकते हैं क्या, टैक्सी आ गया, टैक्सी तुरंत आ रहे ना, जब भी पॉड आ जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं, 4 लोग खड़े थे, सब चले गए और कोई नया नहीं आया, फिर 4 लोग खड़े हैं, वापस सब चले गए, तो ये इज इट इक्विवेलेंट टू 0, क्योंकि गायब हो जा रहे हैं ना सब, सो इट्स इक्विवेलेंट टू, बाय रो कर देंगे अपने ट्रू। एन रो कितना होगा, स्टेट स्पेस डिम नेम्स देना है तो दे दो, अगेन कुछ बनाया नहीं है, आई वुड हैव प्रेफर्ड टू मेक दिस। मेक श्योर यू पुट इट इन कोट्स ओनली, लिस्ट होगा। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं सबका। इसका मार्कोव चेन भी बना लो पैकेज।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पर आवर दैट द कंपनी ऑपरेटिंग द पॉड्स विल नीड टू समन अ टैक्सी टू टेक पैसेंजर्स टू द कार पार्क. क्या निकालने बोले? तो जब ये ऐसा बोल देना, एवरेज आ गया. बेसिकली लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, सो दे वांट कि लॉन्ग टर्म में व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर फोर और मोर पैसेंजर्स वेटिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फोर और मोर पैसेंजर्स, उसका लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी मतलब स्टेडी स्टेट्स बोल रहे हैं. तो या तो आप लोग को पैकेज यूज करना है तो पैकेज बना लो न्यू फंक्शन मार्कोव चेन पैकेज यूज करके, या आप लोग टीएन बना लो एंड वेरी हाई नंबर 30-40 लेके स्टेडी स्टेट्स निकाल लो. सो एनी विच वे, एक बार मार आई फील कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव क्या बोलते हैं मार्कोव चेन पैकेज, तो वो वाला कर लेते. एक ही बात हो गया? नहीं तो तुम क्या प्रोबेबिलिटी को, वो ठीक है लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो ठीक है, बट यहाँ तुम लोगों को क्लियर हुआ तो या तो तुम लोग पैकेज बना लो या फंक्शन बना के स्टार्ट करो करना. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पर मिनट निकाल लो फिर डायरेक्टली कर लेना. स्टेडी स्टेट्स बताओ क्या आ रहा है. पर आर में कितने पॉड्स आएंगे? हर 2 मिनट के इंटरवल में आ रहे हैं, 60 मिनट्स होता है, तो 60 डिवाइड बाय 2 30 पॉड्स आएंगे. अब अगर 30 पॉड्स आ रहे हैं और तुम लोग ने पर 2 मिनट्स निकाले कि 4 या 4 से ज्यादा का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? थर्टी इंटू द प्रोबेबिलिटी, सिंपल हो गया. नंबर ऑफ टाइम्स, स्टेडी स्टेट्स तो निकालो पहले. क्या बोला? हाँ और कैसे करेगा, 3 से थोड़ी करेगा. आई एम मेकिंग द मार्कोव चेन क्विकली. सो लाइब्रेरी, ये कौन सा पार्ट है अपना? कहाँ डाले मैट्रिक्स? प्रॉप डॉट मैट्रिक्स. और कुछ लिखते हैं? नेम देना है तो दे दो. सही है, स्टेडी स्टेट्स यूज करो. इसके ऊपर लिख देना द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी हाँ आउट ऑफ बाउंड्स. 5 क्रॉस 5 लिखा है तुम इस फंक्शन में. ट्रांजिशन एक बार देख, मैट्रिक्स से आया था. ठीक है, हम देख रहे हैं. स्टेडी स्टेट्स में आ रहे कि ये न्यू वाले में आ रहे हैं? है तो इसमें हम लोग अब लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी ऐसे पूरा लिख देना, फिर नीचे तुम लोग समझाओगे इधर, या फिर तुम लोग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो. द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, एंड फिर नीचे में लिख दो द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग. एक बार सुन लो, द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन स्टेट ऑफ हैविंग फोर ऑफ मोर पैसेंजर्स वेटिंग एट द टर्मिनल इज 0.1786 पूरा वो वाला, या 17.8987%. नाउ नेक्स्ट चीज लिखोगे दैट इन 1 आवर इंटरवल, इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स, 60 डिवाइड बाय 2 वी एक्सपेक्ट 30 पॉड्स टू अराइव. नाउ आउट ऑफ 30 पॉड्स, 30 इंटू ये हाउ मेनी टाइम्स आप कॉल करोगे, मतलब 30 टाइम्स टोटल पॉड्स आ रहे हैं. ईच टाइम पॉड आया, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 पैसेंजर खड़े होंगे, 0.178 एंड सो ऑन. सो बेसिकली 5.36 टाइम्स आप 1 घंटे के अंदर टैक्सी को आपको बुलाने का चांस आ सकते हैं. तो आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करना है. हेंस 5.36 टाइम्स द टैक्सीज कैन बी कॉल्ड इन अ 1 आवर ड्यूरेशन. ये पूरा अच्छे से लिख के मेरे को दिखाओ तो. क्यों पर आर होगा? पर मिनट है, स्टेडी स्टेट्स पर मिनट है, पर 2 मिनट है. सॉरी, क्यों तुम ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर 2 मिनट वाला बनाया है, तो स्टेडी स्टेट्स कैसे आ गया भाई? ईच टाइम, इसीलिए तो तुम 30 से फिर मल्टीप्लाई किया. इसको कंप्लीट करो.
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ मैनेजर एट द एयरपोर्ट सजेस्टेड दैट द पॉड्स कैन ऑपरेट एवरी 1.75 मिनट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी. अब यही गड़बड़ हो गया, P0 P1 लेते तो सही रहता है ना, तो पूरा प्रोबेबिलिटी चेंज करना पड़ेगा. एंड दैट दिस वुड ग्रेटली रिड्यूस द यूज नीड टू, तो समझ में, हम लोग जो क्लास में कर रहे थे अब तक P0 P1 लेके वो सही था, क्योंकि अब हम लोग को पूरा मैट्रिक्स का प्रोबेबिलिटी दोबारा चाहिए. ऑल्दो उतना टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल टाइम ज्यादा लगेगा. अगर P0 P1 लेते तो ऑब्वियसली टाइम कम लगता, क्योंकि हम लोग को खाली वो वाला पार्ट रन करना पड़ता, बाकी पूरा सेम हो जाता. सो एंड दिस वुड ग्रेटली रिड्यूस द नीड टू यूज द टैक्सीज. इवैल्यूएट द मैनेजर सजेशन शोइंग एनी वर्किंग वेयर अप्रोप्रिएट एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट. तो पूरा दोबारा से करो, जस्ट दैट नाउ इट्स नॉट डिफिकल्ट. आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है. अब टू के जगह क्या लेंगे अपने, तो ये चीज निकलेगा दोबारा. दिस इज विच पार्ट, पार्ट नंबर बोलो. फोर. तो ये हो गया 1.75. तो अब अपने प्रोबेबिलिटीज क्या ले लेते हैं, एक बार फिर इसको ऐड कर लेंगे ना. तो यहां लिखो 8. ये हो गया, आप इसमें एक बार ऐड कर लो क्विकली. अच्छा कहीं बढ़ाना पड़ेगा ये, तो 0 ही होगा, 1.552. अब करते हैं 0.0001, कहीं बढ़ाते हैं, कहाँ बढ़ाए, ये वाला में, इसमें गलत है, ये 1 होगा, ये मैंने गलत ही देखा, अब सही है. चलो अब ये वापस से बनेगा, इसको 2 कर देना, ठीक है. प्रॉप डॉट मैट्रिक्स भी फिर से बनेगा, prop.matrix1. अब इसमें अपने सारे प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगे. दूसरा वाला का भी सेम था ना, 0 और 1 का सेम है ना. 4 का भी, खाली इसमें ये भी सेम है क्या, 2 वाला. पूरा सेम था 2 वाला भी, 2 से 0. और 3 वाला, ये 0 ही होगा, ये होगा आपका खाली ये 3 से 1. 3 से 2 इज दिस, 3 से 3 इज, 3 लोग खड़े हैं, 2 चढ़ गए, 1 एंड 2 लोगों का आने का. हाँ ये हो गया, एंड दिस यू विल ऐड, सो वी नीड टू ऐड दिस 0.256. मेक श्योर यू ऑल्सो चेक द रो सम्स वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है. आई एम जस्ट रनिंग दिस डॉट मैट्रिक्स 1, इसका रो सम्स कर लो. देख लो सब 1 आ रहा है मेरा, तो वेरीफाई कर लो. कुछ नहीं करना था, खाली प्रोबेबिलिटी चेंज करना था. मैट्रिक्स फिर से बनाना पड़ा बिकॉज हमने नहीं लिया था वेरिएबल्स, लेते तो बेटर होता. अब इसका हम लोग दोबारा से पैकेज यूज करके मेक मार्कोव चेन 1, इसमें बस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स 1 कर दो, ठीक है. 1 देख लो, स्टेडी स्टेट्स निकाल लो, सब सेम है. मेक श्योर यू राइट इट प्रॉपरली. स्टेडी स्टेट्स 1 करो. सो नाउ द प्रोबेबिलिटी हैज डिक्रीज, कैन यू ऑल सी द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी हैज डिक्रीज. नाउ दिस इनटू, अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स द पॉड विल कम इन विल आल्सो चेंज. 30 से मत मल्टीप्लाई कर देना. 60 डिवाइडेड बाय 1.75 इज द नंबर ऑफ टाइम्स द पॉड इज कमिंग इन. सो दिस यू नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस. तो नंबर ऑफ पॉड्स आर कमिंग इन इज नाउ 4.38 टैक्सीज, सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू कॉल टैक्सी इज 4.38, पहले था 5.36 ऐसा कुछ, तो रिड्यूस हुआ है ना नंबर ऑफ टाइम्स टैक्सीज बीइंग कॉल्ड, एटलीस्ट 1 टैक्सी से रिड्यूस हुआ है. परसेंटेज देख सकते हो. सो हो क्या रहे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टैक्सी का फ्रीक्वेंसी 30 पर आर से, सॉरी, पॉड्स का फ्रीक्वेंसी 30 पर आर से 34 पर आर हुआ, विच लेड टू रिडक्शन इन द प्रो, है विच विच क्लास के बीच में एकदम अचानक से ऐसे आया कि पता नहीं क्या हो गया, विच लीड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 और मोर पैसेंजर्स वेटिंग डिक्रीजेस इट फ्रॉम, कितना था पहले, 17 पॉइंट, कितना, 17.8 कुछ परसेंट था, हाँ, 17.8687 जो भी परसेंट, टू 12.7%. ये अच्छे से कितने मार्क्स का कमेंट है, 4 मार्क्स का. तो कैसे कैसे लिखना है सुन लो. पहले तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 30 से 34 जो भी हो रहा है, अगर नंबर ऑफ पॉड्स बेसिकली कमिंग इन, उसके वजह से आपका प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है ऑफ 4 और मोर पैसेंजर्स वेटिंग का, एंड उसके वजह से नंबर ऑफ टैक्सीज रिक्वायर्ड इज चेंजिंग फ्रॉम 5.36 टू 4.38. सो इट सीम्स कि ये वर्थवाइल है. ये था गुड पॉइंट्स. बैड पॉइंट्स क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉड्स इंक्रीज होगा तो उसका भी तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए हमें इधर, जो कि नहीं किया है बट करना चाहिए. तो फाइनल डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा, कि जो हमने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉड इंक्रीज किया ऑन एवरेज 4 to 5 पॉड से, तो उसका हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वो भी आप कंसिडर करो. करेक्ट है कि नहीं? और फिर हम लोग, ये खाली 1 आर का है, हमें और क्या चेक करना चाहिए, पर मंथ वाला. प्लस एक चीज और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस टेक्स इंटू अकाउंट द अजम्पशन दैट
The probabilities of passengers coming in is constant. आपने जो रेट्स लिए वो कॉन्स्टेंटली है, बट देर मे बी सम आवर्स ड्यूरिंग द डे लाइक मॉर्निंग्स एंड लेट इवनिंग्स या लेट नाइट्स, जब आपके बिजी टाइम्स होते हैं. मॉर्निंग्स थोड़ा बिजी होता है या लेट इवनिंग्स थोड़ा बिजी होता है, यूजली बिकॉज डिपेंड्स ऑन द सिटी, बिकॉज पीपल हु वर्क दे ट्रेवल इन अर्ली मॉर्निंग और एट अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट. तो उस समय यू सी अ पीक इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स कमिंग इन, तो वो अकाउंट यहाँ नहीं लिया तो वो भी लेना चाहिए. तो एक्सटेंड द मॉडल बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम इन होमोजेनस कॉन्सेप्ट दैट वेदर रेट्स आर नॉट कॉन्स्टेंट. क्लियर? इसको लिखो, ये पूरा कंप्लीट करो.